जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, या फिर कह लीजिए कि मैं आपको बताने वाला हूं, जेई मेंस 2024 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ड्रॉपर कैंडिडेट को। क्योंकि यहां पर गाइस आपके काफ़ी सारे कमेंट्स इस बारे में आ रहे थे कि सर ड्रॉपर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाइए ताकि हमें पता चल सके कि कैसे हमें इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने की पूरी जानकारी दी जाएगी, और वो भी शुरू से लेकर के आखिरी तक, ताकि आप इसी वीडियो से सिंगल से पूरी जानकारी अपने ड्रॉपर कैटेगरी वाले कैंडिडेट की जान पाए। और यहां पर जो कमेंट्स भी आएंगे वो मेनली उन्हीं के आएंगे जो कि ड्रॉपर्स कैंडिडेट है, और वो आपकी हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। इसलिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है, एंड अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर आपका एक सवाल यह भी है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ड्रॉपर कैंडिडेट, क्या हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए शुरू में ही? तो आपको यहां पर गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए। जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एंड जिन कैंडिडेट को यह नहीं पता कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो गूगल के अंदर या फिर यूट्यूब में गैप सर्टिफिकेट सर्च कर ले, उनको वहां पर उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहां पर गैप सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी एक्सप्लेन करने चला तो काफी टाइम बीत जाएगा, इसलिए वो एक टॉपिक अलग है। आप यूट्यूब के अंदर सर्च कर लीजिएगा, आपको गैप सर्टिफिकेट का पता चल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने सब जानकारी आएगी। वैसे तो मैंने वीडियो बना दी है आपके जेई मेन के फॉर्म फिलअप के बारे में, जहां पर डिजी लॉकर की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी दिया गया है। एंड इस वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा कि डिजी लॉकर की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आप न्यू कैंडिडेट है, आपको फ्रेशर रजिस्टर करना है, तो आप यहां पर कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को रीड करने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन गाइस आपके सामने यहां पर कुछ पॉइंट्स आए हैं। इसमें यहां पर अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे, एंड फिर डिजी लॉकर के माध्यम से आप लॉग इन करेंगे। यहां पर डिजी लॉकर से माध्यम से अप्लाई करने पर प्रॉब्लम आ रही है कि आप जैसे ही अपना इसमें रजिस्टर करते हैं तो फिर से आप इसी इंटरफेस पर आ जाते हैं। तो इसी इंटरफेस पर आप इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि जो डिजी लॉकर की वेबसाइट है वो यहां पर बार बार एरर दे रही है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सभी कुछ कर लिया है बट वो सर्वर के इशू की वजह से आप यहां पर आ जा रहे हैं। बट अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहां पर डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, एंड फिर यहां पर आप उसको अलाउ कर देंगे। जैसे ही आप अलाउ करेंगे, अगर डिजी लॉकर की वेबसाइट कोई एरर नहीं देती है तो फिर आपके सामने यहां पर तीन तरह के ऑप्शन आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर यह भी जानना है कि अगर आपके सामने डिजी लॉकर से अप्लाई करने पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर आई हैव आधार इनरोलमेंट नंबर ये वाला टिक कर लीजिएगा। ये वाला टिक करने पर आपको यहां पर जब आपका एग्जाम सेंटर एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम सेंटर पर एक घंटा पहले पहुंचना होगा, और वह उन्हीं कैंडिडेट को पहुंचना है जो कि जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर अकाउंट है, उसके बिना अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर आप डिजी लॉकर से अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है, वेबसाइट के अंदर इशू है, इसलिए आप डिजी लॉकर से अप्लाई नहीं कर पा रहे, आप आधार से अप्लाई कर रहे हैं या फिर पैन कार्ड से, तो फिर आपको यहां पर आपके एग्जाम सेंटर पर एक घंटा पहले पहुंचना है। तो कोई इशू नहीं है, आप पहुंच जाइएगा एक घंटा पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आप फॉर्म ही नहीं भर पाए डिजी लॉकर के द्वारा तो फिर आप वहां पर पहुंचेंगे भी क्यों? इसलिए वो चीज आप ध्यान मत दीजिए कि हमें एक घंटा पहले पहुंचना है, आप यहां पर आधार से अप्लाई कर लीजिए। अब आपने आई हैव आधार इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया, यहां पर अगर आपने आधार कार्ड बनने के लिए दिया है तो आप अपना आधार इनरोलमेंट नंबर डालेंगे जो कि मिलता है आपको, एंड अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आप यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि चाहे आप डिजी लॉकर से अलाउ कर रहे जानकारी, यानी कि डिजी लॉकर से फैच करा रहे, तब भी आपके सामने यही ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहां पर बताना है आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार, तो आप यहां पर यह टिक कर लेंगे। फिर जो आपका आधार नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी फिल करने के ऑप्शन आ चुके हैं। आपको अब यहां पर आपका नाम भरना है, ये नाम आपका
टेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आपको फादर का नेम एंटर करना है, फिर आपको मदर का नेम एंटर करना है, ये भी आप टेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है टेंथ के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। जेंडर आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर नेम लिखेंगे, आपका लोकेलिटी लिखेंगे, कंट्री आप यहाँ पर अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में आपका पिन कोड, मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड आपका कैसा हुआ आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे एंड फिर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका आंसर दे देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनका आपके सामने प्रीव्यू आएगा। आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक करेंगे, जैसे कि माई नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। फिर गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के सामने OTP की प्रॉब्लम भी आ रही है कि OTP रिसीव नहीं हो रहे हैं। अब ये OTP क्यों रिसीव नहीं हो रही है? OTP इसलिए रिसीव नहीं हो रही क्योंकि जो वेबसाइट है इसके ऊपर काफ़ी संख्या में कैंडिडेट विजिट कर रहे हैं, ऐसे में वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, जिस वजह से OTP आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के अंदर सही हो जाएगी और आपको OTP आने शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर आपको वेट करने के बाद भी OTP नहीं मिलते तो आप रात में 12 से 1 बजे या फिर और भी लेट नाइट, जितना भी लेट आप कर सकते हैं रात में 1 बजे के बाद, तो फिर आपको अच्छे से यहाँ पर लेट करके फॉर्म को भरना है, क्योंकि रात में वेबसाइट का सर्वर बिल्कुल स्लो रहेगा, आराम से रहेगा, कोई इसके ऊपर लोड नहीं होगा और आपको OTP भी मिल जाएगा। तो रात में आप ट्राई कीजिएगा, ये एक ट्रिक रहती है, जब सर्वर की प्रॉब्लम होती है तब, तो आपको OTP आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने इसको इस तरह से OTP आने के बाद में सबमिट कर देना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको बाकी का फॉर्म कैसे भरना है वो अब आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें यहाँ पर आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपने ऑलरेडी भर ली है, तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे, कौन से वाली वो आप देख लीजिए। पहला है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर आप कर रहे हैं। अगर आपने कर लिया तो आप तब भी यही सेलेक्ट करेंगे आपकी स्टेट, और अगर आप कर रहे हैं तब भी आप यही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड इसके बाद में अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांगता की बतानी है कि 40% उससे ज़्यादा या 40% या उससे कम, अगर है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपको मधुमेह रोग या डायबिटिक अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पैलेस ऑफ रेसिडेंस, आपके निवास की जगह है ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, पारिवारिक वार्षिक आय उसकी रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड देन फिर यहाँ पर आपको बताना है मीडियम ऑफ स्कूलिंग, आपने यहाँ पर किस मीडियम से आपकी स्कूलिंग की है, हिंदी इंग्लिश आपको सभी तरह के इसको यहाँ पर मीडियम दी है, तो आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है। ये कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ये आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल का सेक्शन आया है, जहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है कि कौन से मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर रखना चाहते हैं। फिर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बी प्लानिंग, बी आर्क या फिर BA BTech, तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पर सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर, आप सिर्फ इसी सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले वाला सेशन ही सेलेक्ट करें, एंड अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है, दोनों पर ट्राई करना है, तो फिर आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब आपका अगले सेशन का फॉर्म आए तो फिर आप उसमें इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से अप्लाई कर पाए, और इसीलिए आपको ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेव रखना है। अब आपको यहाँ पर आपके फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन बताना है कि वो क्या करते हैं, कोई भी एक यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर इसमें नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन बताना है और उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है। एंड देन यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की चार स्टेट देनी है चॉइस के रूप में, बेसिकली एक ही स्टेट है सभी में बट उसकी सिटी अलग अलग होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आप पिन कोड डालिए, आई एग्री पर क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आएगी आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल। अभी सेक्शन पर आते हैं और जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी ये वो आपका सेक्शन आता है। यहाँ पर गाइज सवाल था कि ड्रॉपर कैसे फॉर्म को भरे। अब मान लीजिए ये तो आपकी टेंथ की जानकारी है, आपने यहाँ पर आपकी टेंथ तो सिंपली पास की ही है तो आपने टेंथ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपका पास स्टेटस पास रहेगा, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पैलेस ऑफ स्कूलिंग बताएंगे कि शहरी है या फिर ग्रामीण है, एंड इसके बाद में टाइप ऑफ स्कूल बताएंगे कि किस तरह का आपका स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट या फिर फुल्ली गवर्नमेंट या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जिस तरह का भी आपका स्कूल को है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर उसकी स्टेट बताएंगे कौन सी स्टेट के अंदर आपका स्कूल कॉलेज है और इसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे, आपका बोर्ड कौन सा है स्कूल का वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर टेंथ का जो आपका स्कूल कॉलेज है उसका नाम आपको देना है एंड उसका जो एड्रेस है पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने सिर्फ डेमो के लिए कुछ लिखा है, आपको यहाँ पर पूरा आपके स्कूल कॉलेज का एड्रेस देना है। अब आएगा स्कूल कॉलेज पिन कोड। अब ये स्कूल कॉलेज कौन पिन कोड क्या है, इसमें भी प्रॉब्लम आपको आती है कि ये कौन सा कोड है। बेसिकली जिस सिटी के अंदर आपका स्कूल कॉलेज होता है उस सिटी का जो पिन कोड है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड होता है, कोई अलग से स्कूल कॉलेज पिन कोड यहाँ पर आपसे नहीं मांगा जा रहा है। जैसे कि मेरा स्कूल है सहारनपुर के अंदर तो सहारनपुर का कोड है 247001, तो आपके स्कूल का कोड भी यानी कि मेरे स्कूल का कोड भी 247001 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालना है। फिर आप टेंथ का रोल नंबर देंगे और बताएंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA। मेरे परसेंटेज है तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको टोटल मार्क्स डालने होंगे, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आपको लिखने होंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है 12वीं की जानकारी। अब यहाँ पर 12वीं पर आने के बाद में आपको काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिल रहे हैं। अब ये विकल्प के क्या क्या मतलब है, तो जो सबसे लास्ट में आपका है दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम, अगर आपने आपकी 12वीं किसी भी स्टेट बोर्ड से की है या फिर आपने CBSE बोर्ड से की है तो फिर आप यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहले वाला जो ऑप्शन है ये उनके लिए है जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो सेकेंड ऑप्शन है एनी पब्लिक स्कूल या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने सिंपली आपकी 12वीं किसी भी स्टेट बोर्ड से किया तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है दी फाइनल एग्जाम वाला। और यहां पर एक और ऑप्शन है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद में फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2-ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विस विंग, तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं बट आपको यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ये वाला सेलेक्ट करना है, लास्ट वाला। एक और ऑप्शन है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, यानी कि जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से 12वीं की है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे जिनके पास में 5 सब्जेक्ट थे। अगर आपके पास में 6 सब्जेक्ट है तो तब भी आपको यही वाला सेलेक्ट करना होगा क्योंकि उसके लिए यहां पर कोई अलग से जो ऑप्शन है वो नहीं दिया है। तो आई होप आपको यहां पर इन सभी ऑप्शन के जो मतलब है मीनिंग से वो समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है। फिर आप यहां पर बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर अपीयरिंग है तो फिर आपको यहां पर 2024 का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड अगर आपने पास कर लिया है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में आपको 3 ईयर देखने को मिलेंगे 2022, 2023, 2024। अब आता है ड्रॉपर का सवाल। तो यहां पर गाइज अगर आप ड्रॉपर है यानी कि आपने 1 साल बीच में छोड़ा है तो फिर आप मान लीजिए आपने 2021 के अंदर 2020 में अपनी क्वालिफिकेशन कर ली थी और फिर 21 में छोड़ करके आपने 22 में अपनी जो क्वालिफिकेशन है 12वीं वो कंप्लीट किया है। ये मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपने बीच में कोई 1 साल स्किप किया है और वो साल स्किप करने के बाद में जब आपकी 12वीं कंप्लीट होती है वो 2022, 2023 या फिर 2024 में होगी तो फिर आप ये सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी 12वीं इन 3 साल से पहले यानी कि 2022 से पहले हुई है तो इसका मतलब तो ये हुआ है कि आप इसमें एलिजिबल ही नहीं है
फॉर्म को फिल करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने अगर ड्रॉप किया है तो फिर भी ड्रॉप करने के बाद में आपका पासिंग ईयर 2022-2023 या फिर अपेयरिंग ईयर आपका 2024 होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो गाइज आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो जो ड्रॉपर कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर उनका 12वीं का अपेयरिंग ईयर या फिर जो पासिंग ईयर है वो 2022-2023-2024 हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर जो आपकी 12वीं की है ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है, कोई भी ऑप्शन अलग नहीं है। आप यहाँ पर आपका जो स्कूल कॉलेज का टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे, आपकी स्कूल कॉलेज कहाँ स्थित है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके स्कूल बोर्ड का क्या नाम है वो आप सेलेक्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पर जो आपका स्कूल कॉलेज का नाम है वो देंगे, उसका एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे, आपका 12वीं का रोल नंबर डालेंगे, रिजल्ट मोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अगर आपका जो रिजल्ट मोड है वो परसेंटेज है तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स और आपकी परसेंटेज आ जाएगी, एंड देन फिर यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आएगा जहाँ पर गाइज आपसे एक सवाल पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है, एंड देन फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके सामने जो ऑप्शन आएगा मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे इसको एडिट करना होता है। इसमें बेसिकली आपको आपके गार्जियन जो भी आपके हो सकते हैं माता पिता भाई बहन उनका नंबर देना है और ईमेल एड्रेस देना है, एंड देन उनके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए ईमेल और नंबर दोनों वाला तो फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फोटो एंड साइन कैसा हो। तो फोटो का साइज 10 से 200 KB एंड जो सिग्नेचर का साइज है वो 4 से 30 KB के बीच में रखा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई है सीटेट जनवरी 2024 के फोटो साइन की प्रॉब्लम को लेकर के, इसमें भी सेम साइज मांगा है और सेम वेबसाइट से ये फॉर्म भरा जाता है। तो आप इस वीडियो को वॉच करके इसमें समझ लीजिएगा कि आपको फोटो को कैसे रिसाइज करना है, एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फोटो रिसाइज कैसे करना है और फिर आप यहां पर आपका फोटो अपलोड कर दीजिएगा अगर आपके सामने फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। और इसके बाद जैसे आप फोटो अपलोड कर देंगे आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहां पर चेक करेंगे, एंड चेक करने के बाद में आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपकी फीस जमा हो जाती है और आप यहां पर फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं और वो अपडेट नहीं हुई है तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो आपको रिफंड कर दी जाएगी या फिर वो अपडेट होगी और आप अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे दोबारा से लॉग इन करके। एंड अगर तब भी नहीं आप कर पाते तो आप यहां पर सपोर्ट टिकट के ऊपर क्लिक करके यहां पर सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताइए कि फीस की प्रॉब्लम है या फिर क्या है, और फिर आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे और उसके सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, कोई प्रूफ है आपके पास वो फाइल आप यहां पर अपलोड कर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, एंड देन सबमिट करेंगे तो आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो जाएगी, जल्द ही उसका निवारण ऑफिशियल वे में आपको करा दिया जाएगा यानी कि उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो गाइज मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।